भारतीय टीम से विराट कोहली से कप्तानी छीनना चाहता है ये खिलाड़ी, कह दी बेहद कड़वी बात। नमस्कार दोस्तों, पांचवी बार मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा अब भारतीय टीम की कप्तानी पर जोर दे रहे हैं। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा से टीम की बागडोर सौंपने की अपील करते हुए कहा, देखिए अगर अब रोहित शर्मा को कप्तान नहीं बनाया जाता है तो यह भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता दो बार IPL चैंपियन बना। मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने पांचवी बार दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीता। रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर ट्रॉफी जीती। गंभीर का मानना है कि यह रोहित के लिए सीमित ओवरों के प्रारूप में भारतीय टीम का उपकप्तान बनने का समय है। गंभीर ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी पांच बार IPL ट्रॉफी जीतता है तो आप क्या कहेंगे। हालांकि एक कप्तान एक टीम के रूप में अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कप्तान को समझने का क्या उपाय है। आपके पास किसी को समझने के लिए एक आयाम होना चाहिए। यदि हम धोनी को भारत का सबसे सफल कप्तान कहते हैं तो वह इस तथ्य पर आधारित है कि उसमें दो विश्व कप और दो IPL जीते हैं। रोहित ने पांच बार IPL ट्रॉफी जीती है, इसीलिए यह शर्म की बात होगी कि अगर उन्हें अब व्हाइट बॉल कप्तानी या T20 क्रिकेट कप्तानी नहीं मिलती, क्योंकि रोहित शर्मा इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वह केवल उसी टीम को जीत दिला सकेगा जिसकी कप्तानी वह कर रहा है। क्रिकेट इंफो से बातचीत में गंभीर ने एक अलग प्रारूप के लिए अलग कप्तान की बात भी की। उन्होंने कहा कि लोग कह सकते हैं कि रोहित शर्मा उस समय गलत थे जब विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।